भी जो है इधर सो रहा है, रो भी रहा है, और साना जो है इधर टेप लगी हुई है ऊपर, अभी इसको जो है ना होश नहीं आया है। पानी लेके जा रही हो? आ रहे हैं। कौन? ऐशा लेके आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलते इसी दौरान व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना तीन का टाइम होने वाला है, तो हमने तैयारी बना लिया है अस्पताल जाने की, क्योंकि अभी जो है ना रुखसाना कहती है चलते हैं अस्पताल, कल की तैयारी बना रहे हैं, तो आज तैयारी बन गई है, जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं अस्पताल में बेबी लेने के लिए। तो ये कहती है ना इधर जाने के लिए कोई नहीं है, तो इधर जो है ना अम्मी जान, वो बाजी की अम्मी जान है, उसको साथ लेना है। अच्छा, हाँ जी, उसको साथ लेके जाना है, लेके जाना है। अच्छा जी, इधर क्योंकि हमारी वो बहन है, सिस्टर है छोटी, उसके भी छोटे बच्चे हैं, और सबा के भी छोटे बच्चे हैं, ऐशा भी नहीं जा सकती, और किसको साथ लेके जाए, तो उसको साथ लेके जाते हैं। वो अब अम्मी भी है। अच्छा, हाँ वो साथ जाएगी, लेट सवेर हो जाती है तो वो भी होगी साथ हमारे। चलें आप थोड़ा नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, मैं जाता हूँ उसको बुलाता हूँ और रब्ता करता हूँ मोबाइल से। अहमद अभी दवाई लेके उनके आया है कि नहीं आया? हाँ उससे पहले पता कर लो, पूछ लो उनसे। हाँ देख क्या गाड़ी बाहर खड़ी है, तो देखो वो आया है कि नहीं आया, अभी टाइम तो काफ़ी हो गया है। हाँ तो फिर शाम भी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा ना। अगर शाम तो होनी है ना, ये काम तो लाजमी है जो करना है, ये तो करके आना है ना। तो कल का पूरा दिन है, आज का पूरा दिन, कल भी ऐसे सारा दिन तकलीफ में गुजरा है, आज भी ऐसे तीन हो गई है, तो अभी दर्द नहीं है, कोई तकलीफ बर्दाश्त होती हमारे से। अभी बाहर आ चुके हैं तो पंखा भी लगा दिया है वो वाला। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़ुकाम इतनी है ना, चल फिर भी नहीं सकता। अगर चार पाई पे सो जाऊँ तो कुछ सही हो जाता है। ये देखो कबीलियाँ जा रही हैं। अभी रुखसाना जो है ना लेट गई है, कहती है जल्दी जल्दी गाड़ी बुला के ले आओ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अहमद को बुलाने के लिए। तो वो लेने गया था दवाई, दवाई लेके अभी भी पहुँच चुका है, तो उसको कहता हूँ चलना है अस्पताल जाते हैं। गाड़ी तो आई हुई है ये देखें, तो जाके पता करते हैं किस टाइम का आया है। हम तो घर थे ना, वो दवाई लेने गया था, तो वापसी पता नहीं अभी आया है या पहले आया है, जाके पता चलेगा। बिना वापसी जा रहा हूँ, वो कहता है आप चलो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। और इधर जो है हसन जानी और बेबो जो है दही बल्ले लेके जा रहे हैं। वाह जी वाह, हसन चलो घर चलो दही बल्ले खाओ। क्या आपने मेरे साथ जाना है? हाँ क्या करना है, किधर? अरे ना कहा गंदी है, गंदी है इधर वाला। चुका हूँ घर, तो वो आ रहा है, जब तक हम सामान वगैरह कपड़े वगैरह इकट्ठे करने हैं वो भी जा रहे हैं। मैंने सोचा सिलेंडर सुबह का ख़त्म हो गया है, सिलेंडर भी भरा के ले आएंगे, ये वाला भी काम हो जाएगा। इधर जो है ना सिलेंडर भरते हैं लेकिन गैस सही नहीं होती, छोटे सिलेंडर होते वो तो भर लेते हैं लेकिन बड़े नहीं भर सकते। बैग जो है मैंने उठा लिया है। पानी लेके जा रही हो? आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। कौन? ऐशा लेके आ रही है। चलें चलें जी, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी चलते हैं। यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ से जो है ना फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी में, तो अभी थोड़ा सा सफ़र किया है, टाइम भी असर का होने वाला है, लेट हो गई है आज, क्योंकि लेडीज़ भी तकरीबन चार साढ़े चार पाँच बजे आती है ना।
चार चाक पहुंच चुके हैं। ये मशहूर खजूर है चार चाक की, आप देख रहे हैं खजूर भी माशाल्लाह अच्छी खासी है और इधर रखी हुई है रेड़ी के ऊपर, लेकिन पहले वाली रेड़ियाँ ख़त्म हो गया, मौसम ख़त्म हो गया। ये है अब्बासिया नहर बड़े वाली, शहर पहुंचने वाले हैं, आगे जो है ना रक्शे आ चुके हैं, लेकिन हम भी तेज़ी से जा रहे हैं। आगे ना रोड बन रही है ना, इसलिए वो क्रेन लगी हुई है ना, इसलिए रश लगा हुआ है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अस्पताल, तो अहमद जा रहा है पता करने, इधर अगर लेडी है तो इस अस्पताल में चलेंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे। बेबी जो है इधर सो रहा है, रो भी रहा है, और साना जो है इधर टेप लगी हुई है ऊपर, अभी इसको जो ना होश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी जो ना अस्पताल में मौजूद हैं, तो बड़े ऑपरेशन के साथ जो ना बेबी हुआ है, तो अभी जो ना रुखसाना को होश हवाल नहीं है, तो इस टाइम हॉस्पिटल में बैठे। कल जो है ना हमें छुट्टी होगी, आज रात इधर गुजारनी पड़ेगी। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तो अलाउ भी नहीं है अस्पताल में वीडियो बनाने का। इंशाल्लाह जब घर जाएंगे फिर जो है ना आपसे शेयर करेंगे वीडियो, तो वीडियो पर यहाँ पर एंड करने पर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब एंड भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।